लिसन एन आर ई वी सी आई टी रिसाइट दिस पोएम। लिसन मतलब सुनना और रिसाइट मतलब बोलना। दिस पोएम आई एम लकी, लकी मतलब मैं भाग्यशाली हूँ। आई अपने लिए, एम मैं भाग्यशाली हूँ। इफ आई वेर अ बटरफ्लाई, बी यू टी बट टी आर टर एफ एल बाई फ्लाई। इफ आई वेर अ बटरफ्लाई मतलब अगर मैं बटरफ्लाई होता, आई वुड बी टी एच थ ए एन के एंग थैंक एफ यू एल फुल। तो मैं क्या होता, थैंकफुल होता फॉर माई डब्ल्यू आई एन जी एस विंग्स। तो मैं अपने ये विंग्स के लिए धन्यवाद करता। क्यों करता, देखो बटरफ्लाई किससे उड़ती है, अपने विंग्स के मदद से। इफ आई एम एल यू सी लक के वाई की, लक्की मतलब मैं भाग्यशाली हूँ। इफ आई वेर अ बी यू टी बट टी आर टर एफ एल वाई फ्लाई, अगर मैं क्या होता, बटरफ्लाई होता, आई वुड बी टी एच थ ए एन के एंक थैंक एफ यू एल फुल थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो बोल रहा है अगर मैं बटरफ्लाई होता तो मैं धन्यवाद करता कि मेरे विंग्स हैं। बटरफ्लाई थैंकफुल क्यों करती विंग्स के लिए, क्योंकि विंग्स से ही तो वो उड़ती हैं, अपने पंख, ये जो उसके पंख होते हैं इनसे ही वो उड़ती है। इफ आई वेर अ एम वाई माई एन ए ना मैना इन अ ट्री, आई वुड बी टी ए थ एन के एंक एफ यू एल फुल थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। तो बोल रही है अगर मैं मैना होता इन अ ट्री, किसमें, पेड़ में बैठता, और मैं धन्यवाद करता कि मैं क्या कर सकता हूँ, गा सकता हूँ। इफ आई वेर अ फिश, अगर मैं मछली होता, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन व्रिगल एंड गिगल विद द ग्ली। तो बोल रहा है कि मैं फिश होता सी में, तो मैं थैंकफुल होता कि मैं दैट आई कैन डब्ल्यू आर आई जी विग जी एल ई गल विगल एंड जी आई जी गिग जी एल ई गल गिगल विथ जी एल ई ई ग्ली। जी को गॉ बोलते हैं। तो बोल रहा है कि मैं क्या करता, रिगल करता, रिगल मतलब हल्के से, गिगल मतलब हंसना जोर जोर से, विथ ग्ली मतलब हैप्पीनेस से, खुशी से। तो मैं धीरे से जोर से हंसता इससे, खुशी से। सो आई जस्ट थिंक आई एम लक्की टू बी मी, तो जो मैं हूँ उससे मैं खुश रहता। नॉट यू बट मी, यानी कि मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊँ, बल्कि जो मैं खुद हूँ उससे मैं खुश रहता। इफ आई वेयर एन एलिफेंट, ई एल ई एल ई पी एच फ ए एन टी एंड एलिफेंट, पी एच को फ बोलते हैं एलिफेंट, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रीज माई ट्रंक टी टॉ आर यू एन के ट्रंक। तो बोला अगर मैं हाथी होता, एलिफेंट होता, तो मैं क्या होता, थैंकफुल होता, है ना। क्यों थैंकफुल होता, क्योंकि मैं अपने ट्रंक को मैं उठा सकता। अब उठा के वो बहुत काम कर सकता है ट्रंक से। ट्रंक से वो क्या करता है, पेड़ों की पत्तियाँ खाता है, बनाने तोड़ लेता है, फलों को तोड़ लेता है, और अपने को नहला सकता है वो पानी से, पूरी बॉडी में डाल सकता है। इफ आई वेर अ के एन जी कैंग ए आर आर ओ रू कैंगरू, आई वुड ट्राई टू हॉप। तो बोला अगर मैं कैंगरू होता तो मैं क्या करता, उछलता, हॉप मतलब उछलता, राइट अप टू द मून, कहाँ तक का, मून तक का उछल जाता। इफ आई वेर एन ऑक्टियोटोपस, अगर मैं ऑक्टोपस होता, ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के एट ये पाँव होते हैं, ठीक है, इनसे वो चीज़ों को पकड़ लेता है, ये उसके हाथ की तरह काम करते हैं,
आई वुड बी थैंकफुल, मैं क्या होता, धन्यवाद करता, फॉर माई एट आर्म्स, उसकी ये देखो एट आर्म्स है। सो आई जस्ट थिंक आई एम लक्की टू बी मी, तो बोल रहा है कि मैं, सो आई जस्ट थिंक, तो बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि आई एम लक्की, मैं खुश हूँ, जो मैं खुश हूँ कि जो मैं हूँ, मैं लक्की हूँ, भाग्यशाली हूँ जो मैं हूँ, नॉट यू बट मी, जो मैं हूँ उसी में मैं खुश हूँ, ये नहीं कि अरे मेरे पास ये होता अगर मैं वो बन जाता, ऐसा नहीं, जो मैं हूँ उससे मैं खुश हूँ। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, और क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो, क्या आप भी मेरी तरह बनना चाहते हो, और जस्ट यू, और जस्ट यू, या फिर आप जो हो वही बनना चाहते हो, तो आप क्या बनना चाहते हो, आप बटरफ्लाई बनना चाहते हो, या बर्ड, या फिश, या एलिफेंट, ऑक्टोपस, या कैंगरू, या आप जो हो वही बनना चाहते हो, सोचो।